क्यों यह ब्राह्मण परिवार लालू यादव को मानता है देवता, आइए जाने विस्तार से। महान स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे का परिवार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अपने लिए भगवान मानता है। यह उस दौर की बात है जब स्वर्गीय तात्या टोपे का परिवार बेहद तंगहाली में यूपी के कानपुर शहर के बिठूर इलाके में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। पूजा पाठ से होने वाली आमदनी से ही घर चल पाता था। 2007 में इसकी जानकारी जैसे ही तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव को हुई, उन्होंने 27 जून 2007 को रेलवे के अधिकारियों को उनके घर भेजकर दिल्ली बुलाया और इस परिवार की दो बेटियां, जिनमें से एक प्रगति बीए और दूसरी तृप्ति संस्कृत भाषा में एमए थी, दोनों को रेल मंत्री के कोटे से कानपुर के कंटेनर डिपो में क्लर्क के नौकरी की कागज थमा दी। यह सब लालू ने बिना किसी को बताए और अचानक कर दिया था। इतना ही नहीं, लालू ने दोनों लड़कियों से पूछा कि क्या दिल्ली से कानपुर जाने का किराया है। लड़कियों ने कहा कि सर जनरल का टिकट ले लेंगे। लालू ने दोनों का एसी डिब्बे में आरक्षण कराया और हाथ में नगद पैसे थमा दिए। लड़कियों ने जब लालू से पैसे लेने से इनकार किया तो लालू ने कहा कि रख लो, आज तुम्हारे पूर्वज की बदौलत हम आजाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। यह जानकारी इस परिवार के विनायक राव देते हुए कहते हैं कि लालू यादव को कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम उन्हें कभी भी गलत नहीं मान सकते। विनायक राव के मुताबिक इसी नौकरी के दम पर आज प्रगति और तृप्ति दोनों बेटियों की अच्छी घरों में शादी हो गई है। लालू ने दोनों बेटियों को हौसला देते हुए यह भी कहा था कि जीवन है तो संघर्ष है, पर घबराना नहीं है। पूरे हिम्मत से जिंदगी की जंग लड़ो, क्योंकि संघर्ष तुम्हारे खून में है। विनायक राव तात्या टोपे के पोते हैं। उनके दादा लक्ष्मण राव टोपे तात्या टोपे के सगे भाई थे। लक्ष्मण राव टोपे को भी अंग्रेजी हुकूमत ने जेल में डाल दिया था। उनकी रिहाई आजादी के 12 साल बाद यानी 1959 में हो सकी थी। लक्ष्मण राव के पुत्र नारायण राव थे, जिनके पुत्र विनायक राव हैं। आइए जानते हैं कौन थे तात्या टोपे। तात्या टोपे का जन्म महाराष्ट्र के नासिक के पास पटौदा जिले के येवला ग्राम में एक देशस्थ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महाराष्ट्र में वह उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बिठूर चले गए थे, जब 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला दहक रही थी। तब उन्होंने माना कि नाना साहेब के सेनापति के रूप में कानपुर में मोर्चा संभाला था। इस विद्रोह में तात्या टोपे की भूमिका की सराहना इतिहासकारों ने करते हुए उन्हें महान योद्धा, सेनानायक और सूरवीर भी बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें, और बिहार के निष्पक्ष एवं ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट bihari.news को विजिट करें। शुक्रिया।